अंदर पूर्ण सरकार बनाना भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है और आने वाले दिनों में इन चारों राज्यों में हमारी सरकारें बने इसके लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने मित्रों परिश्रम की पराकाष्ठा करनी पड़ेगी। मित्रों आने वाले 5 सालों में कई राज्यों में चुनाव आने वाले हैं, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, अरुणाचल, मेघालय, ये सभी ऐसे प्रांत हैं जहां कभी न कभी हम सत्ता में रहे हैं। हमारे संगठन का काम है कि इन राज्यों में संगठन को इतना मजबूत करिए कि जब कभी भी चुनाव आए तब वहां पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और सरकार संगठन के बलबूते पर पड़े और सिर्फ विधानसभा के चुनाव इन राज्यों में हमें कॉन्सेंट्रेट नहीं करने हैं। मित्रों पंचायत से लेकर पार्लियामेंट और कोऑपरेटिव तक जितने भी चुनाव आते हैं सभी चुनाव को भारतीय जनता पार्टी की इकाई हल्के से न ले। हर एक चुनाव का अपना महत्व है, हर एक चुनाव जनता के बीच में एक संदेश डालता है। एक भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने अब नहीं छोड़ना है। हर चुनाव में विजय पानी है, विजय की आदत भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डाल दे क्योंकि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के लिए विजय ही विजय है। मित्रों एक जमाना था जब चुनाव होता था तब कांग्रेस वर्सेस ऑल का होता था, अब धीरे धीरे ऐसा जमाना आ गया है कि अब चुनाव भारतीय जनता पार्टी वर्सेस ऑल का होगा। वैसे एक रूप में तो आनंद का विषय है मगर एक तरीके से देखे तो चुनौती भी है, विरोधी सब एकत्रित आ रहे हैं। बिहार इसका उदाहरण है, जिस नीतीश कुमार ने लालू के शासन को जंगल राज कहकर मत प्राप्त किए थे वो नीतीश कुमार आज सत्ता के कारण लालू यादव की गोदी में बैठते हुए जरा भी संकोच नहीं कर रहे, उनको शर्म नहीं आ रही। मित्रों इससे अपवित्र और कोई संगठन नहीं हो सकता। चुनावी गठबंधन भी बनते हैं सिद्धांतों के आधार पर, सिद्धांतों की साम्यता के आधार पर, विचार की साम्यता के आधार पर। कल तक घोर विरोधी रहने वाले लालू और नीतीश बाहों में बाह डालकर बिहार की जनता के सामने जाते हैं तब उनको एक्सपोज करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की है। यह पवित्र गठबंधन है, ताकत मतों की युति से नहीं होती, ताकत पार्टी के सिद्धांतों में होती है, ताकत पार्टी के संगठन में होती है और विजय पार्टी का संगठन पाता है, मतों का योग नहीं पाता। मित्रों इस बार बिहार की यूनिट ठान ले 10 की 10 उपचुनाव की सीटें, हमारी जितनी भी सीटें हैं हम रिटेन करें और आगे की लड़ाई के लिए तैयार करिए। अकेले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बनाने के लिए बिहार यूनिट आज से ही कमर कस ले। मित्रों मैं उत्तर प्रदेश की स्थिति का भी विशेष जिक्र करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था की परिस्थिति बहुत चिंताजनक है और चिंताजनक इसलिए हुई है कि वहां की सरकार वोट बैंक की राजनीति के लिए एक तरफा काम कर रही है। राजकीय विरोधियों पर गलत मुकदमे दायर किए जा रहे हैं, कानून और व्यवस्था के मसले को धर्म के आधार पर नापने का ट्राय हो रहा है और कानून और व्यवस्था के मसले को वोट बैंक का मुद्दा बनाया जा रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि वो कुछ भी करें हम संयम रखें मगर हम जन जागृति जरूर लाएं, जनता के बीच में जाएं और इस समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश संभालने में सक्षम नहीं है, इसके लिए घर घर जाकर जन जागृति करें और किस तरह से एपीसमेंट की पॉलिसी पर, किस तरह से वोट बैंक के आधार पर राजनीति कर रहे हैं इसके लिए मित्रों हमने लोगों के पास जाना पड़ेगा। मगर मैं इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में शांति बनाने की जिम्मेदारी सरकार की से ज्यादा अपनी है क्योंकि 80 में से 73 सीट उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दी है। अगर सरकार नहीं संभालती वहां की स्थिति तो हमारे कार्यकर्ता शांति की जिम्मेदारी ले।